तो दोस्तों नहीं तो भैया अपनी साइकिल यहीं लेके आए हैं। नीचू नीचू कैसे इसे नहीं जाना, नीचू को नदी में डायरेक्ट कपड़े खोल के मजा आ जाएगा। फाइनल है आप, चल। अरे रे 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 रे। चल रेडी स्टडी गो। ओए बंदर, हमारे मक्के खत्म हो गए बट बंदरों का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो गाइस मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो चुका है। अभी जैसे मैं आ रहा हूँ गागरी गोल से, जैसे मैं गया था पार्सल लेने, तो उधर जैसे ये हुआ कि मेरे मोबाइल में तो दिखा रहा है प्रोडक्ट कि मेरा प्रोडक्ट गागरी गोल पहुँच चुका है, और उधर तो पार्सल आया नहीं है, मेरा प्रोडक्ट वहाँ पहुँचा ही नहीं है। हेलो इंटरनेट, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी दिन के बजे करीब 12:30 और मैं लबी और जयंत और प्लस हमारे पीछे नेतू यहाँ से आ रहे हो। नेतू भैया, नेतू ने अपनी साइकिल यहीं लेके आ रहा है अभी। तो अभी हम आए हैं नदी नहाने के लिए। हाँ इसमें नहा रहा है अंडे बिरयानी पे ना, नहा ले कोई बात। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो दोस्तों नदी का पानी इतना ज़्यादा साफ हुआ है, क्या ही बताएं भाई। ठंडा पानी हो रहा है और पानी भी ज़्यादा आ रहा है। हाँ जल्दी से नहाते हैं फिर चलते घर को, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इसी वजह से। तो दोस्तों नहीं तो भैया अपनी साइकिल यहीं लेके आए हैं। नीचू कैसे इसे नहीं जाना, नीचू को नदी में डायरेक्ट कपड़े खोल के मज़ा आ जाएगा। थोड़ा स्टंट वाला हो जाएगा सीन। गिरे रहेगा अभी। ठंडा हो रहा है पानी अबे। तो दोस्तों फटाफट से हम भी अपने वस्त्र खोलते हैं और कूदते हैं नदी में। तो दोस्तों ये मौसम चेक करो, कई खतरनाक काले काले बादल लगे हुए हैं। इस साइड को तो और भी ज़्यादा बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो ऐसे मौसम में हम आए हैं अभी नदी नहाने के लिए। तो अभी हमारे साथ नेतू जयंत और लबी और प्लस विक्की भैया, जिन्होंने अपने कपड़े खोल लिए अभी। तो अभी हम भी उतरेंगे नदी में। अरे मेरे ऊपर पानी मत डालना है कोई, पहले बता दे मैंने, ठीक है? ठंडा हो रहा है पहले, कोई पहले मैं चेक करूँगा पानी कैसा हो रहा है। ये लबी नेतू डाल ले बेटे, पानी इतना ठंडा हो रहा है बोल रहे हो, गर्म हो रहा है। मत कर पानी, छींटे मत डाल। अरे छींटे मत डाल नेतू, मारा बैक फ्लिप। अरे ये बैक फ्लिप है बे, ये बैक फ्लिप छो गब मारन चाहे कोई, रहने दे यार, हो गया रहने दे यार, तेरी बस की ना है। मारे दोबारा मार रहे, चल ठीक है अब देखता हूँ। फाइनल है आप, चल। अरे रे 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 रे। चल रेडी स्टडी गो। मज़ा नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ पानी में, थोड़ा तो अपना रिएक्शन चेक करते हैं पानी कितना ठंडा हो रहा है। जाओ ठंडा अभी नहीं लग रहा, बट मेरे को ठंडा। तो पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है अभी इधर। लभी कैसा हो रहा है पानी? अच्छा, तुम लोगों ने मेरे को बोला गर्म हो रहा है बट पानी तो ठंडा हो रहा है बहुत ज्यादा। ये देखो मैं भाई, हड्डियां कड़कड़ाने लग गई है, इतना ठंडा पानी हो रहा है। तो दोस्तों अभी स्नान हो चुका है और नेतू भैया हमारे तैयार होकर आ गए, अपनी साइकिल को भी मस्त धो के लेके। धोया कि नहीं धोया? नहीं धोया ना, कोई नहीं। तो नेतू भैया की भैंसे यहाँ पर है नदी में, ठीक यहाँ पर, चल चल। तो दोस्तों फटाफट से कपड़े पहनते हैं और चलते घर को, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है ऊपर से, तो किसी वक्त अगर बारिश आएगी तो हम लोग सब बग जाएंगे इधर पे। तो दोस्तों अभी मेरे कपड़े चेंज हो गए और बच्चे लोग इधर पे नहाने में ही हैं, और मेरे कपड़े एक जगह से दूसरी जगह फेंकने में लगे नदी में। ओए बच्चों चलो यार, मौसम ख़राब हो रहा है, नदी आ जाएगी अभी, फटाफट करो यार, तुम बहुत लेट कर रहे हो यार बच्चों, फटाफट से आ जाओ, जल्दी आओ।
यहाँ पानी गंदा कैसे हुआ है? वैसे भी थोड़ी देर पहले तो इधर साफ पानी आ रहा था, कम पानी का ऊपर से भी तो आ रहा है अभी पानी, इधर से ये देख इस साइड से भी पानी आ रहा है, पहले इधर से आ रहा था बस। तो दोस्तों आज कल रुपाई का काम भी पूरा कम्प्लीट हो चुका है, ये देखो इधर पूरे रुपाई लग गए खेतों में। ओए बंदर, बंदर 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 बंदर, भाग्या भाग्या भाग्या, ए दो हैं दो, पेड़ मार इसमें, नहीं इसमें, क्या स्कूल के अंदर दूसरा भी आया, दूसरा भी क्या ऊपर। हमारे मक्के खत्म हो गए बट बंदरों का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चार बंदर, चलो लवि आ जा, ये लवि के सामने से जाएगी, मेरे सामने से तो यहीं पे तो खड़ा था ये, चल चल जल्दी चलो। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे करीब 5:30 और अभी मेरा प्लान है गागरे को जाने का, क्योंकि मेरा जो है आज पार्सल आया हुआ है। तो ट्रैकिंग के लिए मैंने जो स्टोव के लिए जो सिलेंडर मंगवाया था गैस सिलेंडर, तो वो आ चुका है, तो अभी मुझे उसे लेने जाना है। कंफर्म तो नहीं हुआ है बट मैंने कॉल करके तो पूछा था, तो आ गया है। अभी डिलीवरी हो पाएगी या नहीं कर पाएंगे वो उन पर डिपेंड करता है, तो अभी मैं तो जाऊँगा लेने के लिए, देखते हैं मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मेरा एक और पार्सल आने वाला है 2-4 दिनों में, तो वो भी आ जाएगा, तो फिर उसके बाद हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे, ठीक है। और हमारे साथ है हमारी एंटॉक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मौसम कुछ ऐसा है यहाँ से पूरा मौसम बंद हो रखा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। खैर इस साइड को तो बारिश चल रही है, इधर पे डुंगलोट और कोसानी साइड को, इस साइड को इधर को तो नहीं आनी चाहिए अभी, जब तक मेरा काम होता है तब तक तो नहीं होना चाहिए, बाकी उसके बाद हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस मेरे साथ बहुत बड़ा पोवर्ट हो चुका है, अभी जैसे मैं आ रहा हूँ गागरी गोल से, जैसे मैं गया था पार्सल लेने, तो उधर जैसे ये होगा कि मेरे मोबाइल में तो दिखा रहा है प्रोडक्ट कि मेरा प्रोडक्ट गागरी गोल पहुँच चुका है, और उधर तो पार्सल आया नहीं है, मेरा प्रोडक्ट वहाँ पहुँचा ही नहीं है। तो ये जैसे सोचने वाली बात थी कि मेरा पार्सल वहाँ क्यों नहीं पहुँचा और मैं उस पर क्यों दिखा रहा है। तो अभी 2-4 दिन और चेक करते हैं, अगर नहीं आएगा तो उसको फिर रिटर्न डाल दूँगा, तो फिर उसके बाद दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्ण रहेगा, क्योंकि 2-4 दिन पहले मैंने वो प्रोडक्ट मंगा लिया है, तो 1 हफ्ता होने वाला मतलब पूरा। तो अभी मैं दोबारा अप्लाई करूँगा, फिर उसको 2-4 दिन और लगेंगे आने में, 4-5-6 दिन, तो उसके बाद फिर तो मुझे फिर से और रुकना पड़ेगा, तो जो मैं नहीं चाहता हूँ वो कि आ जाना चाहिए कल परसों तक का। और एक और प्रोडक्ट मंगा रखा था, तो वो तो उसको लगेंगे 2-4 दिन अभी, तो उसके बाद हम कैंपिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे जो मैं रेगुलर ब्लॉग डाल रहा हूँ करके, तो उन्हें एंजॉय कीजिए, और जो चैनल पे नए आते हैं चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना, कमेंट करना वीडियो कैसे लग रही है बताना मेरे को। और प्लस हमारे साथ यहाँ पे एंटॉक, मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा विकेश और ब्लॉग्स लिखाने वाला हूँ, और जो मैं नाम चेंज करना बोल रहा था कि मैं नाम चेंज करूँगा बट वो अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा यही नाम ठीक है, मेरे जो ये नाम मेरे को दरअसल मेरे बूबू का वरदान है, बूबू ने मेरे को ये नाम दिया है स्कूल टाइम से ही, तो ये नाम ही मेरा सही है, वरना मेरे को विकेश विकेश करके भूल जाएंगे ना लोग, तो विकेश विकेश करके मैंने अपना नाम बनाना है। तो बहुत हो गया प्रवचन, ठीक है तो अभी इसको पैक करते हैं। तो दोस्तों एंटॉक तो ढक गई, बट इसका एक साइड का जो ये शीशे का कवर होता है ये फट चुका है, ये देखो इधर से फट गया, और साथ ही साथ इधर से फट गया, तो इसे नया ऑर्डर करना पड़ेगा, या इसकी सर्विसिंग के टाइम पे जब मैं बागेश्वर जाऊँगा तब उधर से एक नया कवर उठा के लेके आऊँगा, जो भी होगा मतलब। और इसका देखो पूरा कलर निकल चुका है,
बिकॉज एक साल से यहीं पे खड़ी है, इसके नीचे से पानी नहीं आता इधर पे, तो धूप में रह के कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो इसे भी ख़राब होना था एक दिन, तो अभी हो चुका है अच्छे से। थोड़ा बहुत प्राण बाकी है इसमें, इन्हें भी मैं ले लूँगा अभी अच्छे से, तो उसके बाद इसके लिए नया कवर लेके आते हैं। तो दोस्तों अभी बारिश भी होने लगी है, ठीक सामने वाली पहाड़ी पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और हमारा आंगन अभी गीला हो चुका है, तो अभी हम फटाफट से, ओह इसका साइड स्टैंड है यार, सॉरी भैया माफ़ कर देना, ऊपर हो जा थंकू। तो अभी हम अपना सामान उठाते हैं, ये हो गया चाबी प्लस टमाटर। तो दोस्तों ये देखो हम टमाटर लेके आए हैं पूरे आधा केजी, कितनी खुशी हो रही है मुझको। तो टमाटर के रेट हो रहे हैं 140 रुपया किलो भैया, आधा किलो उठा के लेके आया, बहुत है इतना, दो तीन दिन चल जाएगा, तो उसके बाद फिर दोबारा लेके आएंगे। तो दोस्तों अभी मनु बुला रहा है ब्लॉग, मनु ब्लॉग बना रहा है, दिखा तो, दिखा कितने ब्लॉग बनाए तूने, मैं दिखा रहा हूँ पहले। ओह ये मम्मी का, ओके रुक रुक रुक, मैं देखो देखने दे, मेरे को देखने दे, रुक रुक, कितने ब्लॉग बनाए तूने, यहाँ आए तेरे कैमरे का, ये मनु के ब्लॉग बने हैं, ये देखो ये मनु के ब्लॉग बने हैं अभी अभी, मन ये तो फोटो है, ब्लॉग देखने दे मेरे को, ब्लॉग देखने दे, हाँ ये मनु की पुरानी फोटो है, सॉरी वीडियो है। अरे वाह यार, ये तो रोने लग गया तू, वाह यार मनु ब्लॉग बना रखा तूने, पकड़ ले और बना ब्लॉग, ठीक है। हेलो गाइस कैसे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बोलना ठीक है। तो दोस्तों अभी रात के बजे करीब 9:30 और बाहर जोरदार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज साउंड आ रही है, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की। तो ये बस खाना वाना खा के मस्त में अपने आ गया था कमरे पे, तो अभी जस्ट समय है ब्लॉग एडिट करने का, और बाकी से भी है, पोपट हो गया मेरा आज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला, पता नहीं ऐसा स्कैम कैसे हो गया, तो एक दो दिन लगेंगे, तो उसके बाद वेट करते हैं, उसके बाद कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के दोस्तों उसको इकट्ठा करके उसके बाद चलते हैं मस्त कैंपिंग करने के लिए, तो आप लोगों को मस्त वीडियो देखने को मिलेगा, होप उस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, और पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए मेरी तरफ से, तहे दिल से शुक्रिया। तो बस ये है, आप ब्लॉग का आनंद लेते रहिए और मेरा सपोर्ट बनाते रहिए, ठीक है। तो इस ब्लॉग को हम ये पेंड करेंगे, हुआ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट।